हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट। कर्मचारी यूनियनों की कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक, जानिए DADR के संबंध में क्या हुआ निर्णय। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापक के साथ मासिक बैठक किए जाने के संबंध में। 1 जुलाई से फिर से स्कूल खोले जा रहे हैं, 100 दिन बाद खुल रहे स्कूल। बच्चों की वैक्सीन से ही साफ होगा स्कूल खुलने का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता में फ्रीज महंगाई भत्ता DADR की 3 किस्तों को जारी करने पर निर्णय नहीं होने पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। कैबिनेट सचिव का इस बिंदु पर सकारात्मक रुख रहा, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों की शनिवार को कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता हुई। कोरोना महामारी के बीच आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही सरकार ने जनवरी 2020 से DADR फ्रीज कर दिया है। इस तरह से अफसरों और कर्मचारियों को DA में 3 बार बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल रहा है। बैठक में इसके साथ कर्मचारियों से जुड़े अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। कर्मचारियों ने DADR रिलीज करने के साथ एरियर के भुगतान पर भी विस्तार से चर्चा की। बैठक में मौजूद कर्मचारी नेता आर्यन पराशर ने बताया कि कैबिनेट सचिव ने एरियर के भुगतान पर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जुलाई से DA एवं DR दिए जाने पर उनका सकारात्मक रुख रहा। आगे की स्लाइड में जानिए क्या हुई बातचीत। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट का होगा। अफसरों ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सामने कर्मचारियों की इस मांग को रखा जाएगा। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडे ने DADR पर फैसला नहीं होने पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि सरकार की मंशा पर पहले से सवाल उठते रहे हैं, बैठक में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना उसी का प्रमाण है। उन्होंने DADR का भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की बात कही। कुशीनगर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल कोरोना संक्रमण के चलते 20 मार्च को बंद कर दिए गए थे। केस नियंत्रित होने की दशा में 1 जुलाई से फिर से स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि अभी केवल अध्यापक ही स्कूल आएंगे। 100 दिन बाद स्कूल खुल रहे स्कूल में पहले दिन ही अध्यापकों को सफाई, बिजली, पानी जैसी समस्याओं से जूझना होगा। कोरोना संक्रमण का सर्वाधिक असर स्कूलों पर ही पड़ा है। पिछले साल मार्च में लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल बंद हुए तो पढ़ाई की व्यवस्था अब तक पटरी पर नहीं लौटी है। इस साल भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान गत 20 मार्च को सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। बच्चों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किया जाना है। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने लगी है। इसको देखते शासन ने 1 जुलाई से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी केवल शिक्षकों को ही बुलाया जाएगा। इस दौरान शिक्षक विद्यालय में पहुंचकर विद्यालय में नामांकित बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के साथ विभागीय एवं अन्य कार्य निपटाएंगे। 100 दिनों तक लगातार बंद रहे स्कूलों में पहुंचने पर शिक्षकों को विद्यालय में सफाई, बिजली और पानी समेत परेशानियों से जूझना पड़ेगा। BSE विमलेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है। इसको देखते हुए शासन की तरफ से 1 जुलाई से स्कूल खोलने का निर्देश मिला है, लेकिन अभी केवल शिक्षकों को ही स्कूल बुलाया गया है। शासन के निर्देश पर जिले के सभी BEO और शिक्षकों को 1 जुलाई से स्कूल खोलने का निर्देश दे दिया गया है। 1 जुलाई को स्कूल पहुंचकर शिक्षक स्कूल की साफ सफाई कराने समेत अन्य संसाधनों को सुव्यवस्थित करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के साथ विभागीय कार्य निपटाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इससे स्कूल खुलने तथा उनके लिए बाहर की गतिविधियों के लिए रास्ता साफ होगा। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन के 2 से 18 साल के बच्चों पर किए गए दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण से आंकड़े सितंबर तक आने की उम्मीद है। उससे पहले अगर फाइजर के टीके को मंजूरी मिल गई तो यह भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकता है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जायड्स कैडिला द्वारा भी भारत के औषधि महानियंत्रक के समक्ष अपने टीके जायकोवी के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन दिए जाने की उम्मीद है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जायड्स के टीकों को मंजूरी मिलती है तो यह भी एक और विकल्प होगा। दोस्तों, ये है आदेश। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश दिनांक 26 जून 2021 मिशन प्रेरणा के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाचार्यों के साथ मासिक बैठक किए जाने के संबंध में। महोदय महोदया, कृपया शासनादेश संख्या ये दिनांक 14 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में है। उक्त शासनादेश में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संचालित गतिविधियों एवं अन्य विभागीय कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन अनुसरण हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापकों के साथ प्रतिमाह चतुर्थ शनिवार अवकाश की दशा में अगले कार्य दिवस में को मासिक बैठक आहूत किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है।
तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि विकासखंड स्तर पर संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुसरण हेतु संलग्न एजेंडा बिंदुओं में उल्लिखित डैशबोर्ड डाटा स्रोत की सूचनाओं के साथ प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठकें आयोजित की जाएँ। उक्त बैठक में संबंधित विकासखंड के समस्त प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापकों एवं ARP की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त बैठक में यथा आवश्यकता अनुसार SRG सदस्यों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। तत्क्रम में आपसे अपेक्षा है कि विकासखंड स्तरीय मासिक समीक्षा बैठकों में निम्नांकित बिंदुओं पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य बिंदुओं यथा मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प, समावेशी शिक्षा आदि के संबंध में डैशबोर्ड से प्राप्त डाटा के आधार पर प्रस्तुतिकरण किया जाए। इस संबंध में संलग्नक में उल्लिखित डाटा के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुतिकरण में सम्मिलित किया जाए। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुतिकरण का प्रारूप संलग्नक 2 के रूप में प्रेषित है। मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प एवं अन्य गतिविधियों की डाटा ड्राइविन मॉनिटरिंग तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं के निराकरण हेतु टारगेटेड इंटरवेंशन सुनिश्चित किए जाएं। वर्तमान परिस्थितियों में ऑनलाइन अथवा कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए छोटे छोटे समूह में अधिकतम 15 प्रतिभागी बैठकें आयोजित की जाएं। तदनुसार मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त बिंदुओं के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। भौदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक हेतु निर्धारित एजेंडा बिंदु। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अकादमिक गतिविधियों का क्रियान्वयन, प्रत्येक बच्चे का असेसमेंट करते हुए कक्षा कक्ष में प्रेरणा तालिका अद्यावधि की जा रही है अथवा नहीं, शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु समृद्ध और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं, शिक्षकों द्वारा शिक्षण संदर्शिका आधारशिला एवं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का अध्ययन कर लिया गया है अथवा नहीं, रीड अलॉन्ग ऐप, दूरदर्शन व्हाट्सएप ग्रुप एवं प्रेरणा साथी के माध्यम से ई पाठशाला एवं क्विज की प्रगति पर चर्चा किया जाना, प्रधानाध्यापक एवं सहाध्यापकों द्वारा अभिभावकों के साथ ई पाठशाला एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री नियमित रूप से साझा की जा रही है अथवा नहीं, दीक्षा के माध्यम से शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रमों का अंगीकरण एवं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज पूर्ण किए जा रहे हैं अथवा नहीं, शिक्षक संकुल की माह में 2 बार बैठकें की जा रही हैं अथवा नहीं, उक्त बैठकों के माध्यम से ऊर्जा संचरण की स्थिति पर चर्चा किया जाना, लाइब्रेरी बुक्स, मैथ किट्स, पंजिकाएं, शिक्षक डायरी, प्रिंटर सामग्री आदि की उपलब्धता तथा प्रेषित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति। डाटा का स्रोत है प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध सपोर्टिव सुपरविजन डैशबोर्ड एवं BEO रिपोर्ट के आधार पर। फिर ऑपरेशन कायाकल्प के संबंध में है, प्रसिद्धी विद्यालयों में मूलभूत और स्थापना संबंधी 18 पैरामीटर पर संतृप्तिकरण है अथवा नहीं, यदि नहीं तो तत्संबंधी कार्ययोजना, क्या विद्यालय GPDP में सम्मिलित है अथवा नहीं, ग्राम पंचायत नगर निकायों एवं विनियमित क्षेत्रों से संपर्क के आधार पर वित्त पोषण एवं सहयोग की स्थिति। प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कायाकल्प डैशबोर्ड फेज 3 सर्वे के आधार पर 18 पैरामीटर के संतृप्तिकरण की स्थिति BEO रिपोर्ट के आधार पर। प्रोजेक्ट ग्रांट में उपभोग की स्थिति यथा स्थित 2019-20 एवं 2020-21 तथा विद्यालय परिसर में व्यय विवरण की पेंटिंग की स्थिति। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारदा के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान, चिन्हीकरण एवं नामांकन की स्थिति। समर्थ के अनुसार दिव्यांग छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा उनकी पहचान करना, चिन्हीकरण आदि की स्थिति। मानव संपदा पोर्टल पर सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका अद्यावधि की गई अथवा नहीं, शिक्षकों के समस्त प्रकार के अवकाश ऑनलाइन माध्यम से स्वीकृत किए जा रहे हैं अथवा नहीं, सभी शिक्षकों का मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से वेतन हस्तांतरण किया जा रहा है अथवा नहीं, विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक नियमित रूप से की जा रही है अथवा नहीं, निःशुल्क पाठ पुस्तकें, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग आदि के वितरण की स्थिति। 100% बालिकाओं का नामांकन, ट्रांजिशन एवं रिटेंशन हेतु अभिभावकों से संपर्क किया जाना, जीवन कौशल शिक्षा, अरमान संबंधी गतिविधियों का नियमित आयोजन, बालिकाओं के सशक्तिकरण संबंधी गतिविधियों का आयोजन एवं समीक्षा, परिवर्तन लागत हस्तांतरण की स्थिति, खाद्यान्न वितरण की स्थिति, DBT हेतु अभिभावकों का खाता सत्यापन की स्थिति, खाद्य सुरक्षा भत्ता के उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की स्थिति, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश साझा करते हुए उन पर चर्चा किया जाना। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसी पर जो है होनी है खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापकों की एक साथ मीटिंग। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पसंद किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।